क्या आप भी चंट चालाक बनना चाहते हैं? क्योंकि जो इंडियंस होते हैं ना, वो चंट चालाक बनने का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। उनको चंट चालाक बनना होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मम्मियाँ होती हैं ना, खासकर, वैसे तो हमारा पूरा परिवार लगा होता है, लेकिन जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, वो हमें ये सिखाती हैं, बेटा चंट चालाक बन जाए, बेटी चंट बन जा, थोड़ा चालाक बन जा, थोड़ा दिमाग लेकर आ। दिमाग ही नहीं है तेरे अंदर, देश दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, दुनिया वाले बेच खाएंगे तुझे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम एक तरफ तो वो बोलते हैं कि चंट चालाक बन जाओ, लेकिन जब हम चंट चालाक बन जाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं? आवारा है जी, एक नंबर का निकम्मा है जी, कुछ नहीं आता है इसका, अरे ये फालतू की चीज़ें करता रहता है। क्योंकि जो चंट चालाक होगा ना, वो आवारागर्दी से उनका क्या मतलब होता है? बाहर घूमना फिरना, थोड़ा ज़्यादा बोलना, कुछ बोल देना, थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन जाना कई बार, तो ये सारी चीज़ें वो आवारागर्दी में ले आते हैं। और अगर आप सच में आवारागर्दी करते हो तो उसका चंट चालाक से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हमारी मम्मियाँ चंट चालाक सोचती हैं ना, या जो आवारागर्दी समझती हैं, वो सच मायने में चंट चालाक ही है। खैर, उस पर हमें डिबेट नहीं करनी कि क्या वो सोचते हैं क्या नहीं। हमारा मुद्दा क्या है कि चंट चालाक कैसे बनते हैं। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि शायद आपने पहले सुनी हो और जो कि शायद आपको लगे कि तो गंदी चीज़ है, ये क्या सिखा रहा है। लेकिन सच मायने में अगर आपको चंट चालाक बनना है तो यही चीज़ें हैं। और सही बताऊँ ना, तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो जो भी आपकी ये चीज़ें हैं ना, वो पॉजिटिविटी में ही काउंट की जाती हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा आवारागर्दी करता है, बच्चा है, और अगर आगे चल के कुछ नहीं कर पाए तो लोग बोलेंगे अरे बचपन से आवारागर्दी करता था, बचपन से लड़कीबाजी में लगा था। लेकिन वो बंदा अगर सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत पैसे कमा लेता, तो रिश्तेदार लोग कहते हैं अरे हमें बचपन से ही पता था, अलग हटके था बंदा, अरे ये ऐसा नहीं था घर में बैठा रहे, नहीं 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 अपने दिमाग चलाता था, अपने मन की करता था, दोस्त वगैरह बनाता था, बाहर निकलता था, बहुत अच्छा बंदा था, समझ रहे हो। ऐसे लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लगाया और कैसे आप सक्सेसफुल हो गए। खैर, वो अलग चीज़ है। तो चंट चालाक कैसे बनते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि यार दिमाग तो मैं वैसे भी दौड़ाता हूँ, क्या फालतू बात कर रहा है, दिमाग दौड़ा ही तो रहा हूँ। लेकिन आप दिमाग सच मायने में उसको पुश नहीं कर रहे हो, आप दिमाग आपका चल रहा है, दौड़ नहीं रहा। आप जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें करते हो ना, उसमें अगर आपको लगता है आप दिमाग बहुत दौड़ा रहे हो, तो आप बेवकूफ़, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बस दिमाग चला रहे हो और दिमाग अपने आप तुम्हें चला रहा है। कुछ आप सोचते हो कि मुझे यहाँ दिमाग लगाना है, नहीं नहीं नहीं, आप कब दिमाग लगाते हो? जब कोई क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा अच्छा ये करना है, कुछ सोचना होता है, अच्छा ये करना है वो करना है, उसमें भी रुक जाते हो, अरे छोड़ ना। तो आपको दिमाग को दौड़ाना है। जब तक आप दिमाग नहीं चलाओगे, तब तक आप चंट चालाक नहीं बन सकते। हम दिमाग क्यों नहीं दौड़ाते हैं? क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होता, हम कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। हम डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ये वो। खुद का दिमाग हमने चलाना ही बंद कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब की वीडियोज देखना बंद कर दो, लोगों की सुनना बंद कर दो, सबकी सुनो बट करो अपनी। आपका फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपका ही होना चाहिए, और खुद पर भरोसा रखो। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सही होगा ही होगा, ये लेकर चलो। गलत हो जाता तो सीख लो, किससे ही खत्म। लेकिन पहले ये तो मानो कि भैया जो कर रहा हूँ वो सही होगा, कोई और कुछ कह रहा है वो चीज़ तुम कर दे, तो फिर बोलते हो कि अरे उसने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खुद का तुम्हारा कोई डिसीजन नहीं है, तो पहले अपना डिसीजन लेना शुरू करो, उसके लिए सोचना शुरू करो, दिमाग लगाना शुरू करो, आप ज़रूर चंट चालाक बन जाओगे। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। ये हमें कोई नहीं बताता, हमें लोग बोलते हैं चंट चालाक। अच्छा, चंट चालाक से भी क्या मतलब होता है? जो बहुत बकवास करता है, जो बहुत बोलता है, हम उसको चंट चालाक कहते हैं जी। वो बहुत फालतू लोग होते हैं, चंट चालाक वो नहीं होते। चंट चालाक वो होते हैं जो कि शांत रहकर भी अपना काम निकलवा लेते हैं, मीठा मीठा बोल के अपना काम निकलवा लेते हैं, वो चंट चालाक होते हैं। फालतू की बकवासें करना, हमेशा लाइमलाइट में रहने की कोशिश करना और फिर बोलना मैं चंट चालाक हूँ, स्मार्ट हूँ, घंटा कुछ नहीं हो तुम, ठीक है, उनके बहकावे मत आया करो। तो आपको थोड़ा ज्ञान लेना है, शांत रहकर ज्ञान लीजिए, जितना हो सकता है सीखते रहिए, जो हो सकता है सीखते रहिए। आपके मतलब का नहीं है तब भी सीखते रहिए। आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे मतलब की नहीं है, इससे थोड़ी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, सीख लो, कभी ना कभी फ़ायदा ज़रूर होगा। यू नेवर नो कि कब वो आपके बेनिफिट में आ जाए। जो मिल रहा है सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। आपको बुक्स रीड करनी ही पड़ेंगी। अगर आप बुक्स रीड करने की हैबिट में नहीं हो, आप नहीं कुछ कर सकते, आप चंट चालाक नहीं बन सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बुक्स पढ़कर आती हैं। बुक्स पढ़कर इतने ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना अगेन कौन कौन सी अच्छी बुक्स होती हैं, आपको मिल जाएंगी। कहने की बात यह है कि आपको ज्ञान तो लेते ही रहना पड़ेगा, ज्ञान नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थर्ड चीज़ है कि थोड़ा अपने फ़ायदे के बारे में सोचो, और किसी और के कहने पर, किसी और के लिए ही सब कुछ मत करते रहो। अपने फ़ायदे का मेरा मतलब क्या है,
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करें। अपना फायदा करना का मतलब ये नहीं होगा कि आप नुकसान करें ही करें, उसका नुकसान के बिना आप अपना फायदा कर सकते हैं, लोगों का फायदा करके भी आप अपना फायदा कर सकते हैं। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो स्टार्टअप वगैरह करते हैं, वो कुछ नया लेकर आते हैं मार्केट में प्रोडक्ट वगैरह, तो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना, उनका फायदा ही पहुंचा रहे हैं ना। एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिससे लोगों का फायदा हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है तो उनका खुद का भी फायदा हो रहा है, समझ मेरे भाई। तो जरूरी नहीं कि अपना फायदा करने के लिए लोगों का नुकसान करना ही पड़े। तो अपने फायदे के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आज अगर आपके पास पैसे कम है तो पैसे बनाने के लिए आपको क्या करना है। आप दिमाग लगाओ, सोचो क्या करोगे, कहाँ कहाँ से पैसे लेकर आओगे। दिमाग चलाओगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, चंचलाक तभी बनोगे। दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा और अपना फायदा देखना ही पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अपने आप को कैसे ग्रो करने वाला हूँ। अपना फायदा देखो मेरे भाई, लोग आपको बोलते हैं तू बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुका है, ये हो चुका है, कहने दो उनको, बस आपको सही राह पे आगे बढ़ते रहना, सही राह पे। गलत राह पे चलकर आप कह रहे हो कि मैं तो अपना फायदा देखता हूँ, चंटू चलाक हूँ, तो तुम बेवकूफ हो, है ना। सही राह पर चल के अपना फायदा देखते रहो, लोगों का भी फायदा देखते रहो, बढ़िया आएगा, मजा आएगा, जिंदगी में आगे बढ़ते ही रहोगे। तो ये थी कुछ चीजें जिनसे आप चंट चलाक बन सकते हो। पार्ट टू में बताएंगे बाकी की कुछ चीजें जो कि आपको जरूर समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पार्ट टू के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर करेगा। आपने यहां तक वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद।